हेलो नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। आपकी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और जीके जीएस की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से हो सके। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है रोटी, दूसरा ऑप्शन दिया है चावल, तीसरा ऑप्शन दिया है खिचड़ी, चौथा ऑप्शन दिया है पनीर। भारत का राष्ट्रीय भोजन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी? यहाँ पे भी चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा है ऑप्शन आलू, सी ऑप्शन है चावल और डी ऑप्शन है टमाटर। ये टमाटर है, याद रखिए। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू। पर इससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है मटर का, राइट आंसर मटर होना चाहिए, पर ऑप्शन यहाँ पे सही आलू है। मटर पाषाण काल में ही उगाई गई थी। लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष पहले की बात है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मनुष्य की एक आँख का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 ग्राम, ऑप्शन बी है 8 ग्राम, ऑप्शन सी है 10 ग्राम और लास्ट में 12 ग्राम दिया है। तो मैं बता दूं, मनुष्य की आँख का ग्राम 1 औंस होता है, यानी ये 28.35 ग्राम के बराबर होता है, पर ये दोनों आँखों का है। एक आँख का वजन 7.5 ग्राम से 8 ग्राम के बीच होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 8 ग्राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, फोर्थ, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। यहाँ पे जिन अन्य ऑप्शन को दिए गए हैं ये सभी डेवलप कंट्री हैं, यहाँ पे कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं बन सकता है, याद रखिए। सिर्फ भारत में ही डॉक्टर हो सकते हैं झोला छाप, क्यों ये डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे डॉक्टरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हर एक किस्म का डॉक्टर आपको मिल जाएगा। आप तो समझदार हैं, समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है? यहाँ पे पीता लिखा गया है, ये पीता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मेंढक। मेंढक पानी में रहता है पर पानी पीता नहीं।
याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिता देता है? औसतन एक इंसान अपनी जिंदगी में एक तिहाई हिस्सा सोते हुए बिता देता है। यानी माना जाए अगर एक इंसान 100 साल जी रहा है, 100 वर्ष, तो वो अपना 25 वर्ष सिर्फ सोने में बिताएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आज की वीडियो का टारगेट 20 लाइक है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 20 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हम मोटिवेट होते रहते हैं और वीडियो अच्छे से और बनाने का मन करता है। इससे हमें लगता है कि हम क्लास में हैं और बच्चों या किसी से भी इंटरफेस हो रहे हैं, अपनापन सा लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? पहला प्रश्न दिया है मोबाइल यंत्र, ऑप्शन बी दिया संदेश यंत्र, ऑप्शन सी दिया बातचीत यंत्र, ऑप्शन डी दिया दूरभाष यंत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र होगा। प्रश्न संख्या 8, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है तांबा। तो मनुष्य के खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और उसमें आयरन पाया जाता है। आपने सुना ही होगा आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, सरकारी हॉस्पिटल में आयरन की गोली दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तांबा। ये ऑक्टोपस में और घोंघा में पाया जाता है। याद रखिए ऑक्टोपस और घोंघा में तांबा पाया जाता है, और राइट आंसर ऑप्शन बी है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी दिया राजीव गांधी, ऑप्शन सी दिया इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी यानी मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी और सी, राजीव गांधी ने 3 शादियां की थी और मोरारजी देसाई ने भी 3 शादियां की थी। और मोरारजी देसाई का शासनकाल 1977 से 79 तक था। ये देश के प्रधानमंत्री थे इस दौरान। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीपल। ये सबको पता होगा पीपल 24 घंटे में 22 घंटे लगातार ऑक्सीजन सी ऑक्सीजन सप्लाई करता रहता है। O2। प्रश्न संख्या 11, नीला सेब कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी दिया है चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चाइना, चाइना में नीला सेब पाया जाता है।
अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी वीडियो से, जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। पाकिस्तान का राष्ट्र पशु क्या है? ऑप्शन ए दिया बाघ, ऑप्शन बी दिया हिरण, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है मारखोर। बाघ तो हमारे देश भारत का है, प्यारे भारत का, और मारखोर पाकिस्तान का है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिया है मुंबई में, ऑप्शन बी दिया वाराणसी में, ऑप्शन सी दिया कपूरथला में, ऑप्शन डी दिया बेंगलुरु में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी कपूरथला। कपूरथला पंजाब में पड़ता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, याद रख लीजिए। आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। प्रश्न संख्या 14। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? ये तो आप बहुत पहले ही जानते हैं, राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बरगद है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आप इससे पहले जानते थे, अगर आज पहली बार जान रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रश्न संख्या 15। रॉयल एनफील्ड किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए दिया है अमेरिका की, ऑप्शन बी दिया है भारत की, ऑप्शन सी दिया है जापान, ऑप्शन डी दिया है इंग्लैंड। तो मैं बता दूं कि रॉयल एनफील्ड 1955 में बनी थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखें। यहाँ के सीएम एम के स्टालिन हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, इसका पूरा नाम मद्रास था, और यह 1955 में कंपनी बनी थी। और यह कहाँ पे है? चेन्नई भारत में है, याद रखिए। राइट आंसर ऑप्शन बी भारत है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भेड़ का। प्रश्न संख्या 17। सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है, जो 30 से 35% चाय का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद भारत का नंबर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 18। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए दिया भारत, ऑप्शन बी दिया चीन, ऑप्शन सी दिया रूस, और लास्ट में दिया है डी जापान। तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 19। किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? पीपल, जामुन, बरगद, ब्लड वुड ट्री। इसका नाम से ही पता चलता है, ब्लड वुड ट्री, यानी ऑप्शन डी इसका राइट है। प्रश्न संख्या 20। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है?
कटोरा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे किसी चीज़ की बहुतायत हो, यानी उत्पादन ज़्यादा हो। चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है। गन्ने का उत्पादन 39% उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है, और यह कम से कम 21 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में उगाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21वां, बैंगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी दिया है तुर्की में, ऑप्शन सी दिया है चीन में, ऑप्शन डी दिया है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। आपका सही जवाब बी है, बी यानी तुर्की में, जिसे अंग्रेजी में टर्की कहते हैं। प्रश्न संख्या 22, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्री। मुख्यमंत्री स्टेट का होता है, गृह मंत्री होता है सेंट्रल लेवल पे, राष्ट्रपति भी सेंटर पे, और स्टेट। सेंटर केंद्र, सेंट्रल लेवल पे होते हैं यानी केंद्र पे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट नहीं लगा होता है। प्रश्न संख्या 23, लिपस्टिक में किस जानवर का दूध मिलाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न संख्या 24, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? यदि आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो इस प्रश्न का सही आंसर है कब्ज, बासी चावल खाने से ठीक हो जाती है। प्रश्न संख्या 25, किस जीव का खून सफेद होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तिलचट्टा। तिलचट्टे का खून सफेद होता है। प्रश्न संख्या 26, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए दिया है 2 सेकंड, ऑप्शन बी दिया 3 सेकंड, ऑप्शन सी दिया 1.3 सेकंड, ऑप्शन डी दिया 3.5 सेकंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.3 सेकंड। एक दशमलव तीन सेकेंड। प्रश्न संख्या 27, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा में 2 जिले हैं, एक है उत्तरी गोवा और दूसरा है दक्षिणी गोवा। और उत्तरी गोवा का मुख्यालय पणजी है, और दक्षिणी गोवा का मुख्यालय मड़गांव है। मड़गांव, मड़गांव। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28वां, भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपी है?
ऑप्शन ए दिया भारत, अगर आप भारत के हैं तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी दिया है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। ऑप्शन सी दिया इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है। जकार्ता, ऑप्शन डी डी दिया है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 29, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील में। ब्राज़ील में नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे पानी पीने लायक है। प्रश्न संख्या 30 दिया है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी दिया है नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्ज़रलैंड होगा, जहाँ पर राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष, 1 ईयर। प्रश्न संख्या 31, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? पहले आप बचपन में, अगर आप अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, जब हमारा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो उसमें हमारे तिरंगे में 3 पट्टियां होती हैं। एक व्हाइट पट्टी भी होती है बीच वाली, और इसे क्या कहते हैं? शांति का प्रतीक है व्हाइट पट्टी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सफ़ेद रंग, ऑप्शन डी होगा। इस तरह आपको याद रहेगा कि शांति का प्रतीक किस रंग को कहते हैं? सफ़ेद रंग को। और हरे रंग को सुख समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। चक्र का मतलब होता है हमेशा निरंतर प्रगति करते रहें। प्रश्न संख्या 32, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए है तरबूज, ऑप्शन बी है कटहल, ऑप्शन सी है नारियल, ऑप्शन डी है पपीता। पपीता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कटहल। अब अगर आपको ख्याल आया हो या हिंट हुआ हो कि कटहल तो सब्जी होती है, पर ये सब्जी तो होती है हम बना लेते हैं, पपीते की भी सब्जी बनती है, तो क्या कह, ये कटहल जब पक जाता है तो ये फल फल माना जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पका हुआ कटहल। आप खाए हैं तो जान रहे होंगे कि ये फल की तरह मीठा भी है। प्रश्न संख्या 33, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए दिया है चावल, ऑप्शन बी दिया है गेहूं, ऑप्शन सी दिया है मक्का, ऑप्शन डी दिया है बाजरा। मक्का लिखा है पर यह मक्का समझिए। तो प्रमुख फसल भारत की चावल है। चावल का उत्पादन भारत में बहुत अधिक होता है, क्योंकि भारत में नदियाँ बहुत हैं इसलिए यहाँ पे चावल का उत्पादन भी नदियों किनारे वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं?
ऑप्शन ए दिया सिक्किम में, ऑप्शन बी दिया महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी दिया राजस्थान में, ऑप्शन डी दिया उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी राजस्थान में। राजस्थान में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊँट भेड़ बकरियाँ ज़्यादा पाला जाता है, इसलिए ये दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान होने की वजह से बड़ी दिक्कत होती है। और सिक्किम में एक बात मैं आपको बता दूँ, सिक्किम में कितने जिले हैं? चार जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 35, किस जानवर का दूध इंसान नहीं पी पचा सकता? तो आपको पता है जिस जानवर के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होगा, 3.5 से ऊपर प्रोटीन का लेवल होने से आदमी पचा नहीं पाता है जल्दी, इतना भैंस का होता है, और 2 पॉइंट तक प्रोटीन गाय में पाया जाता है। शेरनी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए शेरनी का दूध कोई पचा नहीं पाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शेरनी। प्रश्न संख्या 36 दिया है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पपीता। पपीता में सभी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और विटामिन के भी पाया जाता है इसमें। प्रश्न संख्या 37, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में पूरा चेहरे को मिला के चेहरे पे 14 हड्डियाँ होती हैं। याद रखिए, 14 हड्डियाँ चेहरे में होती हैं, फेस पे, और 8 हड्डियाँ कहाँ होती हैं? क्रेनियम होती हैं, ऊपर से जब सिर खोला जाता है। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 8 और 14 पूरा 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 हड्डियाँ होती हैं। और मनुष्य की खोपड़ी का वजन, ब्रेन का वजन, इसे हटाते हैं, इसको टिक कर देते हैं। हाँ, ब्रेन का वजन कितना होता है? लगभग 3 पाउंड, यानी ये 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक हो सकता है। याद रखिए, ग्राम तक वजन। और बच्चों में यह 350 ग्राम से 400 ग्राम के बीच होता है, चाइल्ड में, और ये एडल्ट का है, एडल्ट मतलब बड़े लोगों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शन ए दिया है गाय का, ऑप्शन बी दिया भैंस का, ऑप्शन सी दिया भेड़ का, ऑप्शन डी दिया बकरी का। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए गाय का। गाय के दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। अगर आपकी बुद्धि थोड़ी वीक लग रही हो तो आप गाय का दूध पीजिए, आपकी याददाश्त बढ़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 39, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाथनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्रश्न संख्या 40, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए दिया है शुगर, ऑप्शन बी दिया कैंसर, ऑप्शन सी दिया है गठिया, ऑप्शन डी दिया है पथरी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए शुगर। प्रश्न
प्रश्न संख्या 41, मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। 10 वर्ष मकड़ी बगैर खाना खाए या पिए जीवित रह सकती है। प्रश्न संख्या 42, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की, चंद्रमा की, शेर की, हाथी की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन है सूर्य की, और इसका आकार होता है भारत रत्न का पीपल के पत्ते जैसा। इस तरह होता है। प्रश्न संख्या 43, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए आपका, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, चेतक। बुलबुल उनके हाथी का नाम था। प्रश्न संख्या 44, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए दिया है रोमन में, बी दिया देवनागरी में, सी दिया पाली में, डी दिया पर्शियन में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को। प्रश्न संख्या 45, किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो आपने चींटी देखी होगी, ये चींटी है, इसकी टांगे हैं, और चींटी का खोपड़ा बहुत बड़ा होता है दिमाग। तो आप अनुमान लगा सकते हैं इसमें ऑप्शन में देख के, चींटी, मछली, सांप की, कुत्ता। कुत्ते का शरीर बड़ा होता है, सांप का भी लंबा होता है, मछली का भी, पर चींटी का